10-12 हजार टंका रोजगार पाई अन्य उपरे निर्भर करुथिले। घरठारु दूरकु जाई ठिका श्रमिक भाबे काम करुथिले। एबे से पर अधीनरे काम नकरी स्वाधीन भाबे आरंभ करिछन्ती आर ओ प्लांट जरियारे पानीय जल व्यवसाय सांगकु समन्वित कृषि। एभली चाष सांगकु व्यवसायरु वार्षिक 7-8 लक्ष टंका रोजगार करुछन्ती नुआपड़ा जिला सदर ब्लक परसापुड़ा गाँवर तोष रंजन साहू। तोष रंजन निज 3 एकर परिमित पैतृक जमि उपरे कुकुड़ा छेली बतक और माछ चाष करि निजे स्वावलंबी हेबा सहित 15 जन पुरुष और महिला को देइछन्ति काम। निजर संचित अर्थ सहित सरकारी योजनार सहायता नहीं एभली चाष उद्योग परिचालना करुछन्ति। जातीय उद्यान कृषि मिशन रु खेत पोखरी पाई आर्थिक सहायता पाइबा परे से पोखरी खोली आरंभ करिछन्ति माछ चाष। गाँ पाखरे एही फार्म और उद्योग हेबा फळरे आमे एठी अधिकांश दिन काम पाइपारुछु ओ आमको दूरकु जिबाकु पडुनि बोली कहिछन्ति नियोजित श्रमिक। परिश्रम बहुत परिश्रमी लोकटे अन आउ से निजे चाष करि करि पैसा रोजगार करुछन आउ तार संगे एठी लोक मानके भी काम जगैछन। परिश्रम काम देखी कर हम के भी बहुत खुश लागुछे। पहला तो बाहर जीवा लागि पडुथिला यादे इने कोबार मिलसी जे इने डेली आसु कोबार करी। तोष रंजन को फार्म रे फळिछि कदळी सांगकु अमृतभंडा। पोखरी जळरे माछ चासो सांगकु सहज होइछि बतक चासो। तेणे अत्याधुनिक मेसिन बसाई अमल करा जाउछि पानीय जल। फ्लोराइड प्रदूषित नुआपड़ा जिले में शुद्ध पेय जल जोगाण सहित स्वावलंबन होबार उद्यम तोष रंजन को जिले जड़े सफल उद्योगी भाव परिचित कराई। पर अधीन स्वल्प वेतन में काम करने अपेक्षा निजे स्वरोजगारी होगा लाभदायक बोली कहते तोष रंजन। पानी फैक्ट्री सांगकु कृषि और पशुपालन ताकू सफलता दे से कहते। मुई पहला पार्ट पढ़ली ग्राजुएसन भी करीछे तापरे फॉरेस्ट रे चाकरी पहले पानी फैक्ट्री करीछे प्लस ए जमीन रे सब चास बास करूछे। माछ चास होछे छेली अच्छे बदक अच्छे कुकुड़ा अच्छे गाई अच्छे। एबे मुई भाबली जे मुई आमर गाँव रो लोग मान के केंता रोजगार दे पारबी कोई करी से हिसाब रे मुई निजे इन्वेस्ट करीछे और पीएमजीपी थ्रू रो लोन करी करी भी मैं अमर गाँव रो लोग मान के प्लस जेते भी काम करी औछन सब लोग के रोजगार भी दउछ। ओडिया रे एको आप्त वाक्य अछि उद्योगी को लक्ष्मी लाभ। अनुरूप भाबे निर्दिष्ट लक्ष्य सहित परिश्रम करी नुआपड़ा रो एही युव उद्योगी सफलता रो सब श्रेय को निज नाम रे करि पारि छथि। नुआपड़ा रो युधिष्ठिर पटेल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।